व्यापारी पर जानलेवा हमला कर रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गुरुग्राम की सेक्टर 31 की क्राइम यूनिट ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सलीम पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट, मारपीट और रंगदारी मांगने जैसे आधा दर्जन मामले गुरुग्राम के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। एसीपी क्राइम की माने तो सलीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगस्टर अशोक राठी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने राठी की हत्या में सलीम को साथियों के सहित गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया था। जेल से अक्टूबर में जमानत पर आने के बाद सलीम फिर से सक्रिय हो गया था। 25,000 का इनाम भी था, क्या है सर पूरा मामला, कहां से गिरफ्तार? हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक सलीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पे 25,000 रुपए का हरियाणा सरकार की तरफ से इनाम डिक्लेयर था। इसको पहले एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और जो सदर के इलाके में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसकी पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये बात पता चली कि ये सलीम नाम का व्यक्ति है और ये पहले भी अशोक राठी जो था उसके मर्डर में ये शामिल रहा है और उसके जो साथी थे उन्होंने और इन्होंने मिलके अभी फरवरी महीने में और एक व्यक्ति के घर पे जाके इसलिए गोली चलाई थी ताकि वो जो उसका रोडी डस्ट सीमेंट का जो काम है वो या तो इनको पैसे दे या वो काम बंद कर दे, इसके डराने धमकाने के लिए और उस पर प्रेशर बनाने के लिए ताकि वो इनको पैसे दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसमें ये अभी तक गिरफ्तारी से बच के भाग रहा था और इस पर 25,000 का इनाम घोषित था, तो हमारी क्राइम टीम ने इसको गिरफ्तार करके उस मुकदमे में भी और इसमें भी और इससे टोटल अब तक हमने 3 हथियार बरामद किए हैं। एक के साथ जो ये पकड़ा गया था और एक कट्टा और एक पिस्टल इससे अब बरामद किए गए हैं, तो इस तरह से 3 हथियार और एक जिंदा कारतूस अब तक इसे बरामद किया जा चुका है। हाँ जी, नहीं, अशोक राठी की हत्या में तो पहले गिरफ्तार हो चुका था ये, उसके बाद उस मुकदमे से जब ये जेल से बाहर आया उसके बाद बाहर आते ही इन्होंने गांव में इस तरह की चीजें करके और वहां पे एक्सटोर्शन के लिए गोलियां चलानी शुरू की, इस संबंध में वो मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें ये भाग रहा था। तो इनके 5 साथी हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे, ये गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था तो इस पे इनाम हथियारों के साथ घूम रहा था सर, किसी वारदात को अंजाम देने के साथ? अभी इस तरह की तो कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन जो आदमी अपने पास वेपन रखता है वो कुछ न कुछ उसका मिसयूज तो करेगा, इस बात की संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये पूरी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो हमने गहराई से इसे पूछताछ की है और जो भी उसमें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उस सारी जानकारी को सार्वजनिक करना अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारे रडार पे सारी चीजें हैं और उसके बारे में हम जो लीगल कार्रवाई है हम कर रहे हैं।